हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती सिंह और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या क्लास चल रहा है? तो चल रहा है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में आज की क्लास जो होगी वो हमारी होगी इंडिकेटिंग फॉर्म, यानी इशारे वाले क्वेश्चन। क्या? तो इशारे वाले क्वेश्चन होंगे हमारे आज की क्लास में। और इससे पहले की क्लास में फैमिली ट्री कैसे बनते हैं वो हमने बता दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली कि वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, तो वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इशारे वाले क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ दो चीज़ बताती हूँ कि पहला ये है कि जैसे कि वो औरत बोली, किसी ने किसी को देख के बोला, तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बोला या कहाँ से। ठीक है, बोला और कहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद हम ढूंढेंगे कि इसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें मेरी या मेरा की बात कही जा रही है, तो वह मेरे या मेरा का रिलेशन जो है जिसने बोला उससे होता है। तो कहाँ या बोला के बाद हम क्या ढूंढेंगे कि मेरी या मेरा का बात कहाँ हो रहा है, जहाँ होगा स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन में ही हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली। किसने बोली? औरत बोली, यहाँ यानी कि ये औरत हो गई। ठीक है, औरत क्या होती है? फीमेल। तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस। तो एक औरत बोली कि वह मेरी माँ, देखिए आ गया ना मेरी माँ, तो मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, यानी कि ये औरत अपने बारे में कह रही है कि मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, यानी कि मेरी माँ। तो इनकी माँ कहाँ आ जाएंगी? ऊपर, यानी यहाँ हो गई इनकी माँ, जो कि हो गई क्या? माइनस। ठीक है, मेरी माँ के पिता, यानी इनके माँ के पिता की बात हो रही, यानी यहाँ हो जाएंगे इनके पिता और वो होंगे मेल, तो ये हो जाएंगे इनके पिता। ठीक है, तो मेरे पिता का एकमात्र बेटा है, तो एकमात्र बेटा जो होगा वो इनके माँ का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ठीक, भाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, इस औरत की ये माँ है और इनका ये भाई है। ठीक, तो कहा जा रहा है कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, या कि यह औरत जो है इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी कि यह जो पुरुष जो तस्वीर दिखा रही थी ये औरत, वो यही तस्वीर है, वो इनकी माँ के भाई की तस्वीर थी जो औरत ने जो तस्वीर में दिखा रही थी। चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि क्या कहती है। एक औरत जो है एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। ठीक है, यही है ना, कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वह बोली कि मेरी माँ के पिता, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि इनका भाई, बट इनका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान दे दीजिएगा कि इनका ये पुत्र हुआ, बट इस औरत की माँ का क्या हुआ? भाई हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह औरत जो है इस तस्वीर से क्या रिलेशन है। तो देखिए, ये औरत की ये माँ है और माँ का ये भाई क्या लगेगा? मामा। लेकिन भाई के बारे में नहीं, औरत के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएंगी? भांजी हो जाएंगी। ठीक है, तो औरत का रिश्ता उनकी माँ के भाई के साथ क्या हो जाएगा? भांजी का रिश्ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा। किसने कहा? हेमा ने कहा, और मैंने बोला है कि जिसने कहा पहले उसको हम लिखते हैं। तो हेमा ने कहा कि यह मेरे पिता, यानी कि हेमा के यहाँ हो गए कौन? पिताजी। ठीक है, यह मेरे पिता, यानी ये हो गए हेमा के पिता। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, यानी कि हेमा की माँ, यानी कि पिता की पत्नी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? फीमेल।
तो पिता की पत्नी के भाई, यानी कि पत्नी के भाई, यानी कि यहां हो जाएंगे भाई और ये हो जाएंगे मेल, ठीक। भाई की बहन की बेटी है, यानी कि इनकी एक बहन है और ये हो जाएगी माइनस और इनकी हो जाएगी बेटी, जो कि इनसे पीछे वाली नीचे वाली पीढ़ी की बात हो रही है, तो ये भी फीमेल तो वो हो जाएंगी माइनस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हेमा के पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी, ठीक है। जो हेमा ने जिस तस्वीर की बात कह रही है वो ये है, ठीक है। ये जो तस्वीर है इनकी बात हेमा कह रही है कि हेमा के पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी बेटी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस लड़की का जो है हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो इस बेटी का हेमा के मामा से क्या रिश्ता है, यानी कि हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी भांजी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएंगी भांजी, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये तो एक तरह से ये भी क्वेश्चन सही था। और दूसरा है कि कहा जा रहा है कि हेमा के पिता की पत्नी की भाई की बहन, तो क्या हेमा की माँ इनकी बहन नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो इनकी भाई की बहन की बेटी यहाँ भी हो सकती हैं, जिसको हेमा ने तस्वीर में कहा था, ठीक है। तो भी यदि पूछा कहा जा रहा है कि हेमा की माँ के भाई से इस लड़की का क्या रिश्ता है, तो भी आपका हो जाएगा भांजी का रिश्ता, ठीक है। अदरवाइज एक और है कि यदि ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हेमा के पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी ऑलरेडी हेमा भी हो सकती है, क्या हेमा अपने तस्वीर को दिखा के नहीं कह सकती है, बिल्कुल कह सकती है कि हेमा के पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी हेमा खुद हो सकती है। फिर पूछा जा रहा है कि हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है उस लड़की का, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा, हेमा जो है भांजी ही होगी, क्या होगी, भांजी होगी फ्रेंड्स। तो इसको हमने तीन तरीके से बनाया, तो भी भांजी का ही रिलेशन आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन हमारा SSC 2004 में पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं, तो उस महिला और लड़के के बीच क्या संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है कि एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, यानी कि महिला ने एक लड़के को दिखाते हुआ कहा, तो पहले हम किसको लिखेंगे, महिला, फिर उसके बाद क्या ढूंढेंगे कि मेरी और मेरा कहाँ आ रहा है, तो आ रहा है कि मेरे मामा, यानी वो अपने मामा की बात कह रही है, तो क्या महिला है, यानी कि ये हो गई फीमेल, और महिला की पहले तो पहले माताजी होंगी, ठीक है, माताजी होंगी, फिर उनका भाई जो होगा उस महिला का क्या होगा, मामा होगा, होगा ना, इस महिला के माताजी का भाई जो होगा इस महिला का क्या होगा, मामा होगा। तो कहा जा रहा है कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं, तो फ्रेंड्स महिला का कोई क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है, क्योंकि लड़का है, जो कि महिला ने एक लड़के को ही दिखाते हुए कहा है, तो इसका मामा यानी कि इसकी माँ का भाई होगा, यानी कि इस महिला का भी एक भाई होगा, ठीक है। तो इसका मामा का मामा एक और इनका भाई होगा, ठीक है, यानी कि इसका मामा का मामा परस्पर क्या होंगे, भाई होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा कि मेरे मामा, यानी इस महिला के मामा इस लड़के के मामा परस्पर क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका क्वेश्चन उसमें ये है कि उस महिला और लड़के के बीच का संबंध क्या है, यानी ये लड़का है तो सिंपल सी बात है कि मेल होगा, ठीक है। तो इस महिला और लड़के के बीच का क्या होगा, ये लड़का की माँ हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये घुमा के पूछ दिया गया था, बट कोई बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करने पे ऐसे भी क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो बताएं कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए, तो कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, किसने बोला? प्रकाश ने बोला, ठीक है। तो यहाँ हो गए कौन? प्रकाश। और प्रकाश ने क्या बोला कि उसके पिता, तो अभी हम उसके पिता को छोड़ते हैं, पहले क्या ढूंढते हैं कि मेरे, मेरे की बात कहाँ आती है। तो उसके पिता यानी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि प्रकाश के पिता, प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि इनके पिता जो होंगे उनके इकलौते पुत्र यानी कि प्रकाश खुद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं किसके? तो वह मेरे, उसके पिता, उसके पिता की बात हो रही है। तो उसके पिता यानी कि उसके पिता इनके नीचे आ जाएंगे और यही हो जाएंगे कल्पिता के पिता। कल्पिता के पिता कौन हो जाएंगे? ये प्रकाश हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताएं कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित हैं। तो कल्पिता जो है प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, तो कल्पिता क्या हो जाएगी प्रकाश की? या तो पुत्र हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, या पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि क्या पुत्र दिया है या पुत्री दिया है। तो ऑप्शन में दिया है पुत्री, माँ, पिता या भतीजी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, पुत्री। तो फ्रेंड्स एक कमेंट आया था कि नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है। नन ऑफ दिस तब होगा जब ना पुत्र की बात हो ना पुत्री की बात हो, तब हम नन ऑफ दिस लगा सकते हैं। यदि किसी एक की बात हो तो उसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है, जो कि एसएससी 2009 में पूछा गया है। चलिए करते हैं इसको कि एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, किसने कहा? अनिल ने कहा। तो यहाँ कौन हो जाएगा? अनिल, ठीक है। अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी अनिल की माँ, ठीक है, अनिल की माँ के पोते। तो मान लीजिए अगर ये माँ है और उनका ये बेटा अनिल खुद हो गया, तो क्या इसका बेटा जो होगा वो अनिल के माँ का पोता नहीं होगा? बिल्कुल पोता होगा। क्या कहा जा रहा है कि अनिल ने कहा कि मेरी माँ का पोता, यानी अनिल का खुद का बेटा जो होगा वो इनका, यानी अनिल के माँ का क्या होगा? ये पोता होगा, ठीक है। पोते की पत्नी यानी इनकी पत्नी, ठीक है, यानी कि पत्नी है तो फीमेल और ये बेटा है तो मेल, ठीक। पोते की पत्नी है तो अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये अनिल का बेटा हो गया और ये उनकी वाइफ यानी अनिल की बहू हो गई, तो क्या इनकी वाइफ से अनिल किस तरीके से रिलेटेड है? तो ससुर से। कैसे रिलेटेड है? ससुर से, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि ऐसे भी नहीं कर सकते तो यानी कहा जा रहा है कि, कहा क्या जा रहा है कि अनिल जो है अनिल के माँ, यानी अनिल ने कहा कि अनिल की माँ, अनिल के माँ का पोता, ठीक है, यानी अनिल का कोई भाई भी होगा, ठीक है। अनिल का यदि ये फीमेल है और ये मेल है, अनिल का कोई भाई है और इनका बेटा जो है वो अनिल के माँ का पोता लगेगा, ठीक है। और ये इनकी जो ये है पत्नी है, पत्नी है तो ये माइनस, बेटा है तो प्लस, पत्नी है तो क्या इस पत्नी का रिलेशन इनसे क्या होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, या तो ऑप्शन में इनका कोई जेंडर हमें क्लियर नहीं है, पत्नी ये तो ससुर हो गए, लेकिन ये क्या हो गए, यदि ये फीमेल है, यदि ये फीमेल है तो क्या हो जाएंगी, इसके इसकी बुआ हो जाएंगी और पत्नी की क्या लग जाएंगी? बुआ सास। क्या लगेंगी? बुआ सास, ठीक है। अगर ये फीमेल ना हो के मेल है तो क्या हो जाएंगे? ये ससुर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी क्या, लड़के के चाचा को भी तो ससुरी कहा जाता है, तो ससुर हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन से हम चेक करते हैं क्या ससुर दिया है या बुआ सास दिया है, ठीक। तो ऑप्शन में दिया गया है पिता, दादा, पति और ससुर, तो ससुर दिया है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ससुर, फोर्थ वाला करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा,
क्या एक आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा, महिला ने कहा कि उसकी माँ, उसकी माँ को भी छोड़ते हैं, मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है, तो क्या होगी? मेरी माँ, तो यहाँ हो गई मेरी माँ की एकमात्र बेटी, यानी एकमात्र बेटी ये खुद क्या हो गई? महिला हो गई। एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी की बेटी की बेटी है, यानी कि यहाँ बेटी है। किसकी माँ? उसकी माँ, उसकी माँ की बात कह रहा है। किसकी? एक आदमी जो इशारा कर रहा है उसकी माँ, यानी कि ये बेटी जो है वो उस आदमी की माँ है, उस आदमी की माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, मेरी माँ यानी मेरी माँ की बेटी, एकमात्र बेटी, बेटी जो महिला खुद हो गई, एकमात्र बेटी की बेटी, बेटी जो है वो उसकी माँ है, यानी ये उसकी माँ है, उस आदमी की माँ है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यह आदमी जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, इस आदमी की माँ ये हो गई, इस आदमी की माँ कौन हो गई? ये जो महिला की बेटी थी, ठीक है, माँ हो गई, और इनकी माँ की माँ जो हो गई ये महिला हो गई, यानी कि ये नानी हो गई और ये नाती हो गया, जो कि आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आदमी क्या हो गया? उनका नाती हो गया, नाती हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि MBA 2001 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, किसने कहा? विनीत ने कहा। तो पार्क में दिखाते हुए किसने कहा? विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा, वह मेरे दादा, यानी कि विनीत के कोई पहले तो पिताजी होंगे, ठीक है, पिताजी के पिताजी जो होंगे वो विनीत के दादा होंगे, तो हम विनीत से रिलेटेड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ कौन हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे, विनीत के दादा, ठीक है। तो ये वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी दादा के एकमात्र पुत्र, यानी कि विनीत के पिता एकमात्र पुत्र की, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी कि विनीत की बहन है, पुत्री है या विनीत की क्या हो गई? बहन हो गई। ये कौन हो गई? फीमेल, ठीक है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि विनीत के दादा के एकमात्र पुत्र की बेटी है, ठीक है, तो ये विनीत की क्या हो गई? बहन हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विनीत उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है, यही वो तस्वीर है, ठीक है, वही वो तस्वीर है। तो जो ये लड़की जो है वो विनीत से किस प्रकार रिलेटेड है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगी, लड़की की बात कही जा रही है ना, विनीत की बात कही जा रही है कि विनीत जो है उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, विनीत का हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, या तो ये भाई भी हो सकता है, या तो वो भाई भी हो सकता है, या तो वो बहन भी हो सकता है, तो जिसको हम ऑप्शन के हिसाब से सही करेंगे। देखिए, ऑप्शन में या तो भाई दिया होगा, या तो बहन दिया होगा, या भाई या बहन दिया होगा, इन तीनों में से यदि कोई एक ऑप्शन में है तो करेक्ट है, तीनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, तो पिता जो कि नहीं है, पुत्र जो कि नहीं है, भाई जो कि है, और माता नहीं है, यानी कि भाई वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि अनुपम ने संजीव से कहा, अनुपम ने किसे कहा? संजीव से, यानी कि ये क्या हो गए? अनुपम, ठीक है। अनुपम ने संजीव से कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, यानी अनुपम के पिता की पत्नी, यानी कि अनुपम की क्या हो गई? माताजी, ठीक है। तो अनुपम के पिता की पत्नी की बेटी, की बेटी, की बेटी, बेटी के दो भाइयों में छोटा है, बेटी के दो भाइयों में छोटा है, यानी कि एक भाई यहां हो गया और एक भाई यहाँ हो गया, ठीक है, दो भाइयों में छोटा है, यानी कि एक अनुपम हो गया भाई, ठीक है, और एक ये हो गया, और ये जो भाई जो है उसको मान लेते हैं कि ये क्या है? छोटा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका अनुपम से क्या संबंध है? तो उसका अनुपम से क्या संबंध होगा? सिंपल सी बात है, भाई का ही होगा, क्योंकि ये माता पिता है और उनके ये सारे बच्चे हैं, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि विजय कहता है, क्या कहता है, चलिए कौन कहता है, विजय, तो पहले हम विजय को लिखते हैं, ठीक। विजय कहता है कि बिजू की माँ, तो बिजू की माँ को अभी होल्ड करते हैं, अब पहले मेरी को ढूंढते, ठीक है। तो उसके बाद है मेरी माँ, यानी विजय की माँ, ठीक है, विजय की माँ, विजय की माँ की एकमात्र पुत्री, विजय की माँ की एकमात्र पुत्री यानी कि विजय की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो विजय की माँ की एकमात्र पुत्री जो कि माइनस है, लेकिन विजय की क्या होगी, बहन होगी, ठीक। तो विजय की माँ की एकमात्र पुत्री, तो जब एकमात्र पुत्री है तो विजय क्या ऑलरेडी मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब विजय की माँ की एक ही पुत्री है तो विजय क्या हो जाएगा, उनका लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है बिजू की माँ है, यानी कि जो ये पुत्री जो है वो बिजू की माँ है, उससे आगे वाली लाइन में क्या कह रहा जा रहा था, बिजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी ये पुत्री जो है किसकी माँ है, ये बिजू की माँ है, बिजू की माँ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में क्या है कि विजय किस प्रकार बिजू से संबंधित है, तो विजय जो है किस प्रकार बिजू से संबंधित है, तो ये इसकी माँ का भाई है, यानी कि मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा, ठीक। तो ऑप्शन में जो है भाई है, पिता है, पितामह है, तय नहीं कर सकते, और या उनमें से कोई नहीं, तो आपका पांचवा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विजय है वो बिजू का मामा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, किसने कहा, तो दीपक ने कहा, तो यहाँ हो जाएगा कौन, दीपक, दीपक ने कहा कि उसका एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई उसका, तो उसको छोड़ते हैं, पहले मेरी ढूंढते हैं, तो मेरी बेटी का पिता, मेरी बेटी यानी कि दीपक की बेटी, ठीक है, दीपक की बेटी का पिता यानी खुद क्या हो गया, दीपक, यानी मेरी बेटी का पिता यानी दीपक का पिता, ठीक है, दीपक का पिता, और उससे पहली लाइन क्या है कि उसका एकमात्र भाई है, यानी कि दीपक के पिता का एकमात्र भाई है, ठीक है, और यही वो आदमी है जिसको इशारा करते हुए दीपक ने कहा था, यह वही आदमी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई यही होगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहे थे कि पहले हम मेरी से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन हो गया कि मेरी बेटी यानी कि दीपक की बेटी, दीपक की बेटी यानी मेरी बेटी के पिता का उसका एकमात्र भाई है, उसका एकमात्र भाई है, तो क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति दीपक से क्या संबंध बनाता है, तो वह व्यक्ति जो है दीपक से क्या संबंध बनाता है, तो यानी कि दीपक के पिताजी के भाई यानी क्या हो जाएंगे, दीपक के चाचा हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन ये है जो कि ये भी RRB 2003 में पूछा गया है कि एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, किसने कहा, राजन ने कहा, यहाँ कौन हो जाएगा, राजन, ठीक। राजन ने कहा कि उसकी न तो बहनें हैं और न ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ कौन, जिसके चित्र की ओर दिखाकर राजन ने कहा था, बट उसकी माँ को छोड़ते हैं, पहले मेरी माँ आते हैं, तो उसकी माँ, तो फिर उसके बाद है कि मेरी माँ यानी कि राजन की माँ, राजन की माँ, ठीक है, राजन की माँ यानी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री यानी कि ये हो जाएगी राजन की बहन और राजन की माँ की पुत्री, ठीक है, और ये हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं, जब माँ की एकमात्र ही यानी राजन की माँ की एकमात्र पुत्री है तो राजन क्या हो जाएगा, ये उसका भाई हो जाएगा, जब एकमात्र पुत्री ही कहा जा रहा है तो एक जो और सारे जो बच्चे होंगे वो भाई होंगे उसके, यानी कि मेल होगा, ठीक है। तो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो उसके बाद आगे वाला कह रहा है कि उसकी माँ यानी कि जो चित्र की ओर था उसकी माँ जो यानी इसकी माँ वो लड़का हो जाएगा, एक लड़की की चित्र की ओर इशारा करते हुए एक लड़की यानी कि वो लड़की है, ठीक है, ये लड़की हो है, यही लड़की जो है उसकी माँ है, इसकी माँ कौन है, यही उसकी माँ है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कहा जाता था कि एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि उसकी न तो बहनें हैं और न ही
ना ही उसकी बहनें और ना ही बेटियां, यानी कि ना ही इसकी कोई बहनें हैं और ना ही इसकी कोई बेटियां हैं, बट उसकी माँ जो है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो इस लड़की की क्या हो गई, ये माँ हो गई। तो रिलेशन पूछा जा रहा है कि वह चित्र वाली लड़की, तो चित्र वाली लड़की यही है। चित्र वाली लड़की कौन है, यही है। तो वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की माँ से संबंधित है, यानी कि ये लड़की जो है राजन की माँ से कैसे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लड़की की क्या हो गई, माँ हो गई। कौन हो गई, माँ। और माँ की माँ क्या लगेंगी, नानी। और नानी के बारे में नहीं, इस लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये लड़की क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इंडिकेटिंग पॉइंट यानी इंडिकेटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम क्या ब्लड रिलेशन के कोडेड बेस्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कोडेड बेस्ड वाले। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।